क्रोशिए के बनाएंगे। इसके लिए हमने देखिए कार्डबोर्ड का फ्रेम बनाया 14 1/2 इंच, 14 1/2 इंच का कार्डबोर्ड लेके हमने इसके साइड में इस तरह से 1/4 इंच का डिस्टेंस है, फिर 1/2 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 1/2 इंच। ये टोटल हमने जो कट बनाए हैं वो बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कट्स हमने बनाए हैं। ये 1/4 इंच का डिस्टेंस है और ये जो हमने ये बनाई है पत्तियाँ ये 1/2 इंच की है। जितनी यहाँ पे है 16 उतनी ही यहाँ पे है, उतनी ही यहाँ पे है और उतनी ही यहाँ पे है। ये देखिए हमने दो कलर की ऊन ली है, एक वाइट और एक पिंक। सबसे पहले हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे लपेटना है। एक तरफ से मैं टेप कर देती हूँ धागे को ताकि धागा हिले नहीं, और यहाँ पे मुझे इस पर इस तरह से इसे लपेट 2 3 6 7 और 11। ये मैंने 11 टाइम इसके साइड पे रैप किया है। अगर आप ज़्यादा थिक पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आज ज़्यादा टाइम भी लपेट सकते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, ये धागे को मैं इस तरफ ले आई, ये दो लाइनें हमें यहाँ बनानी है और 2 लाइन्स हमें यहाँ बनानी है। तो इस धागे को मैं इस तरफ ले जाऊँगी यहीं से, और मैं इस तरफ भी सेम इसी तरह से 11 टाइम लपेटूँगी इसे। 1 2 इस तरीके से काट के इसे भी साइड पीछे की तरफ टेप कर दीजिए ताकि ये निकले नहीं। अब हम पिंक कलर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले पिंक कलर हम ऐसे लपेटेंगे सारा, फिर ऐसे लपेटेंगे। तो हम कहीं से भी शुरू कर लेते हैं, तरह से पीछे टेप कर लीजिए धागे को। और सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले लपेटा था 12 टाइम, वैसे ही से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉर्नर तक, यहाँ से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरा इसी तरीके से हमें इसे लपेटना है जैसे हमने ये वाइट वाला लपेटा। 2 3 4 ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए हमने इस तरह से ये सारा लपेट लिया। अब इसी धागे को मैं इस तरफ को यहाँ से करना है क्योंकि हमें, और यहाँ से लेके ये पूरा हमें इस तरह से भी लपेटना है सेम उसी तरीके से। पहले हमने ये वाला लपेटा, सबसे पहले हमने वाइट किया, अब हम पिंक, फिर हमने पिंक कैसे किया, अब ये इस तरह से हमें लपेटना है। वाइट वाले के ऊपर नहीं लपेटना है क्योंकि वाइट हमने पहले लपेटा हुआ था। 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से यहाँ तक हमें इसे पूरा लपेटना है सेम इसी तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमने इसको भी लपेट लिया, पहले हमने ऐसे लपेटा फिर हमने ऐसे लपेटा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। देखिए अब हमें इसे आगे बनाना है। आगे हमें इसे कैसे बनाना है, किसी भी एक तरफ से आप शुरू कर लीजिए, मीन्स ये वाली रो से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे बनाएंगे। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इसको, किसी भी रो से। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इसे, तो मैं इस वाली रो से पहले ये रो बनाऊँगी, फिर ये वाली, और इसी तरह से सारी लंबी रोज बनेंगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है, इस तरह से नॉर्मल जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है उसमें हमने धागा डाला है, यहाँ से हमने इसे इसके नीचे से निकाला, इसे हम नॉटिंग करेंगे अच्छे से। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इसे नॉटिंग करें तो बहुत अच्छे से नॉट करें। तो ये मैंने एक बार इसके नीचे से इस तरह से नॉट लगाया था, दोबारा से इसके नीचे से ले लिया, फिर एक बार इस तरफ से ले लिया, मीन्स क्रिस क्रॉस लिया है मैंने। देखिए एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इसके नीचे से लिया और इसमें नॉट लगा दिया अच्छे से टाइटली, फिर दोबारा से इस तरफ से दूसरी तरफ से लिया,
इसमें नॉट लगा दिया इस तरीके से। अब दोबारा से मैं इस तरफ खुलूँगी इसके नीचे से और ये नॉट लगा दी, फिर दूसरी तरफ से और ये नॉट लग गई, तो ये टाइटली नॉट लग रही। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है हमें। ये हमने फर्स्ट रो बना दी, तो चलिए अब हम ये सेकंड वाली रो बनाते हैं। ये वाली रो सेम उसी तरीके से हमें सारा ये कंप्लीट करना है जैसे हमने ये फर्स्ट रो बनाई है। अब मैं सेकंड रो को शुरू कर दूंगी यहाँ से। ये देखिए इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपको ये रो फिर इस तरह से ये सारी रो कंप्लीट करनी है। जब ये सारा कंप्लीट कर ले, ये देखिए हमने ये सारे इस तरह से लगा ली हैं, इसको नॉटिंग कर लिया सारा, तो हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे इससे कार्डबोर्ड से बाहर निकाल दीजिए। ये देखिए हमने कार्डबोर्ड से निकाल लिया। अब इसे आप यहाँ, ये देखिए इससे